हेलो गर्ल्स, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और मैं यहाँ पे आप लोगों के आंसर ही देने आई हूँ। इतने सारे सवाल आ रहे हैं लेकिन कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बता दूँ। आपने जो लोग सवाल मुझसे रिपीट कर रहे हैं ना, उनको सबसे पहले और वीडियोस देखनी चाहिए, तब वो मुझसे सवाल करें जो उनको नहीं पता है, क्योंकि मैंने सारे आपके डाउट्स मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और सब बार बार एक ना एक वही सवाल रिपीट कर रहे हैं बार बार, जैसे हम हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, और कि हम क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते हैं, प्लेसमेंट को लेकर, वॉशरूम, टॉयलेट वॉशरूम एंड बाथरूम अलग हैं या पास में हैं। तो टॉयलेट, बाथरूम और वॉशरूम अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब बाथरूम अलग अलग हैं, ओके। तो मतलब पास में हैं लेकिन अलग अलग बने हुए हैं, एक ही में नहीं है। और बहुत सारी ये भी सवाल कर रहे हैं कि हम, जी हाँ, आप हॉस्टल से बाहर जा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब कुछ है, बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हो, आप जो वनस्थली का गेट है वो आप क्रॉस नहीं कर सकते विदाउट गेट पास, ठीक है। बट आप यूनिवर्सिटी में कभी भी कहीं भी जा सकते हो एक टाइमिंग से, जैसे रात को 9 बजे के बाद आप नहीं जा सकते कहीं भी, और सुबह में आप 6 बजे के बाद में, ठीक है, या 5 बजे भी, जब भी आप जो 5 बजे हॉस्टल का गेट खुल जाता है मॉर्निंग में, जो लड़कियां सुबह उठती हैं, वॉक करती हैं, आप वॉकिंग पे भी जा सकते हो, ओके। तो बहुत सारी सवाल गर्ल्स मुझसे कर रही हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे से ना रिपीट एंड रिपीट वही सवाल मत करिए। मैं आपको सारी पर्टिकुलर हर टॉपिक के ऊपर मैंने एक एक वीडियो बनाया है, और आई थिंक मैंने 30 वीडियो बनाई हैं, या वनस्थली को लेकर, उनके बारे में जानकारी को लेकर के। तो आपको पहले वो सारी वीडियो देखिए जो आपसे रिलेटेड है, आपके आप उस टाइटल को पढ़िए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और जो सवाल जवाब वाली ज़्यादातर वीडियोज़ हैं उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ना पहले बाकी की सारी वीडियो देखिए, फिर मुझसे सवाल करिए, क्योंकि आप बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहे हैं सभी लोग। मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर चुकी हूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर चुकी हूँ मैं आपके, और इसके बाद भी अगर आप मुझसे सवाल करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा बताने में। लेकिन वही है ना कि दोबारा वही चीज़ बोलूँगी मैं। एक तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, यहाँ पे ना मेरे एक दाना हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, ये देखिए दिखाई दिया, ये हो रहा। और ठीक, कल तो ये ठीक था, कल मैंने इसको फोड़ दिया था, और सुबह में देखा तो ये इतना मोटा हो गया, ये आँख स्वेल हो गई है, पता नहीं इसको क्या हो गया, कल से ये रेड है, मैंने आई ड्रॉप भी डाला, 2 दिन से ये रेड है, 2 दिन हो गए हैं, और कल तो बहुत ही रेड थी, एकदम ब्लड जैसे इसमें आ गया हो, इस तरीके से रेड थी, शायद गर्मी की वजह से, लेकिन मैं तो कहीं जा भी नहीं रही हूँ, बट बहुत गर्मी है, सही में बहुत गर्मी है। आज का मौसम अच्छा है, रात में शायद बारिश हुई थी, मुझे नहीं पता, सो गई थी मैं, और फीवर आ गया था, क्योंकि ना जून में मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे फीवर आता है, मेरे साथ ये 4-5 साल से है, कि क्या है ना, एक बार मतलब अभी 2016 में मैं दिल्ली में रही थी, दिल्ली में मैंने कम से कम 3 महीने रही थी मैं, तो जब से मैं दिल्ली से आई हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मतलब मैंने वहाँ पे वो किया था, लैब में वर्क किया था 3 महीने नोएडा में, दिल्ली से नोएडा जाती थी बाय मेट्रो, नोएडा सेक्टर 28 में, ठीक है, तो वहाँ पर जाती थी मैं। तो वहाँ जाते जाते ना मतलब मेरा इम्यूनिटी इतना वीक हो गया, गर्मी में थी, आप समझ सकते हैं, मई जून जुलाई 3 महीने मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग किया, तो वो 3 महीने अब तक मुझे जून में बीमार कर देते हैं, पता नहीं क्या हुआ है कि जब फिर वहाँ से लौटी तो मुझे इतना भयंकर टाइफाइड मलेरिया हुआ, वहाँ मुझे मच्छरों ने इतना काटा, और गर्मी से मैं घर आते ही उसी दिन मुझे इतना फीवर आया कि मुझे 22 तो इंजेक्शन लगे,
22 इंजेक्शन लगे मुझे और ग्लूकोज अलग चढ़ा, ठीक है। तो वो साल 2016, 2016 या 2016, 16 से लेकर 20 आ गया है, जून में मुझे हमेशा फीवर आ जाता है और निकलता वही है, टाइफाइड मलेरिया ही निकलता है, इससे अलग कुछ निकलता ही नहीं है। और ग्लूकोज चढ़ता है, कंडीशन ये वाली भी हो जाती है। अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे रात में फीवर हल्का सा फील हुआ तो मैंने टैबलेट खाई। पता नहीं, मतलब मम्मी भी, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोली पता नहीं क्या हो गया है, तुम जब से नोएडा वहाँ दिल्ली में रही थी 3 महीने, तब से तुमको मतलब जून जून में फीवर आ जाता है। तो पता नहीं यार, समझ नहीं आता, मतलब हर बार जून में मुझे फीवर आ जाता है। वैसे मुझे पूरी पूरी साल फीवर नहीं आएगा, एक बार तो आना ही चाहिए साल में, लेकिन इसी इसी मंथ में आता है, पता है। और हमेशा टाइफाइड ही होता है, मच्छर मुझे बिल्कुल बीमार कर देते हैं, बट यहाँ तो मच्छर भी नहीं है, एसी में सोती हूँ, तो तभी भी आई डोंट नो। देखिए प्यारी प्यारी गर्ल्स, आप लोगों से निवेदन है, आप पहले सारी वीडियोस देखिए बेबी, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जब आपको लगता है कि अभी भी दीदी ने कुछ बताना बाकी रह गया है तो आप इसे पूछना, ठीक है। देखिए आप वहाँ पे जूडो कराटे भी सीख सकते हो, स्पोर्ट्स में आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जो भी होगी वो आपको वहाँ पे जाने के बाद पता चल जाएगी। आप अगर टाइम निकाल पाते हो तो आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेना। सुबह में स्विमिंग होती है, या सुबह में राइडिंग तो होती है, हॉर्स राइडिंग सुबह की टाइमिंग है, और इवनिंग या फिर शाम को कह लीजिए स्विमिंग की टाइमिंग है। तो ये सब सारी टाइमिंग आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वाणी मंदिर है, मतलब जो मेन डिपार्टमेंट है उसका नाम है वाणी मंदिर, वहीं पे आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये है कि आपको वहाँ पे लिस्ट लगी होंगी, जब आप एडमिट मतलब एडमिशन आपका हो जाएगा तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी तो आप वो हो जाओगे कि हाँ सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जो जो पता है हॉस्टल्स में नोटिफिकेशन लग जाती है, कुछ भी नया होने वाला होता है तो टैम्पलेट लग जाती हैं हॉस्टल में, तो आपको हॉस्टल में भी पता चल जाएगा, बोर्ड पे लग जाती हैं जो भी नया होने वाला है। कहीं कोई जैसे छुट्टियां आने वाली है ना, आपको बस की बुकिंग करानी है, वो भी आपके हॉस्टल में टैम्पलेट लग जाती है। आप कभी भी कोई भी चीज़ से वो नहीं रह पाओगे कि हमको पता नहीं चला, वंचित। ओके, और आप स्पोर्ट्स, आपके पास अगर टाइम हो ना क्लास से, तब आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको लगता, और पैसे वाली बात कि आपको फ़ीस सबमिट करनी है, देखिए आपकी टोटल फ़ीस तो जाएगी ही, उसी में आपकी जाती है 11,000 समथिंग, आपकी सिक्योरिटी मनी जाती है, आप वो देंगे ही देंगे। आपको अगर वो सिक्योरिटी मनी जब आप लौट के आओगे, अगर आपको वो नहीं चाहिए, आपको लगता है कि हम यहीं पर कुछ कर लें, तो आप उसमें से कटा सकते हो, ठीक है, उसमें से भी कट जाती है फ़ीस। तो आप स्पोर्ट्स करिए या कोई भी एक्स्ट्रा जो भी वहाँ पे पंचमुखी शिक्षा है, फाइव फोल्ड एजुकेशन है, आप उसमें से कुछ भी कर सकते हो, तो आप फ़ीस उसमें से कटा सकते हो मम्मी पापा से ना लेकर के, ठीक है। क्योंकि ये ना फ़ीस तो गई, वो फ़ीस में ही चला गया, 10,000 आपका, 11,000 जो भी था, ठीक है। तो बाल मैंने इसलिए खोल रखे हैं, जा रही हूँ मेहंदी लगाने, कल बहुत सारा सामान मंगाया और जीजू गए थे लेने, तो क्योंकि पर सीरम नहीं मिला, यहाँ पे गुड बेकरी खुल गई है, मतलब खुल गई है तो गुड बेकरी में नहीं मिला। और अब देखो ऑनलाइन मंगाना है मुझे नायका से सीरम, और वैसे तो हेयर ऑयल तो मैं डालती नहीं हूँ, समटाइम्स कभी कभी लगाती हूँ, बट सीरम मुझे चाहिए ही चाहिए, विदाउट सीरम मेरे बाल अच्छे नहीं रह पाते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। कल मंगाए हैं मैंने 6-7 पैकेट मेहंदी, बड़े वाले पैकेट, मेहंदी लगी नहीं पा रही है और बाल बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो आपसे मेरा यही है रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज़ आप लोग बाकी की वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी। जो भी आपको नहीं लगता है कि नहीं पता है, मैंने बताया नहीं है, देन आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। ओके, और मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, ठीक है। मेडिसिन मैंने खा ली, लेकिन यही है कि मुझको हर हर बार जून में मुझे फीवर आ ही जाता है, पता नहीं क्या है, वो इम्यूनिटी वीक हो गई है या पता नहीं है। जब से नोएडा से लौटी हूँ, मतलब दिल्ली नोएडा में रही थी, तब से ऐसा मेरे साथ हो गया है कि मुझे हर जून में फीवर आ जाता है, और हमेशा
रिपोर्ट्स में मेरे वही आता है टाइफाइड मलेरिया, तो यही है कि बाकी मेरी अम्मा जी भी ठीक हैं, लेटी रहती हैं, फेरू अंदर हैं, फेरू ने मेरी यहाँ पे काट लिया था तो नाक पे उसने दांत गड़ा दिया था, मतलब दांत मार दिया था, तो यहाँ पे ब्लड ब्लड निकल आया था मेरी नाक पे, आपको दिखेगा नहीं शायद, यहाँ पे मारा है उसने। तो चलिए मैं आपसे टाटा करती हूँ, ओके बाय बाय।